अरे अरे फिर से बारिश शुरू हो गई। जो भी एक दो ग्राहक मछली खरीदने आते थे वो लोग भी सड़क पे कीचड़ होने की वजह से नहीं आ रहे। दत्त तेरे की, मेरी किस्मत भी इसी सड़क की कीचड़ की तरह फूट गई है। हाय रे हाय। हरीश रंगीन मछलियों का व्यापार करता था। उसकी कोई खास आमदनी नहीं थी। उसका व्यापार लगभग ना के बराबर था। उसके घर के सामने की सड़क इतनी ज्यादा खराब थी और इसमें इतने ज्यादा गड्ढे थे कि कोई भी गाड़ी वहाँ नहीं आ पाती थी, जिसकी वजह से वहाँ कोई मछली खरीदने नहीं आता था। व्यापार ठीक से ना चलने की वजह से हरीश बहुत ही दुखी था। आज भी एक भी ग्राहक नहीं आया। थक तेरी की, ऐसा लग रहा है कि आज व्यवसाय बंद करना पड़ेगा। ऐसा काम कौन करेगा? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा रे। क्या हुआ जी, आप इस तरह उदास होकर क्यों बैठे हैं? पता है आज भी एक भी मछली नहीं बिकी। क्यों क्या? हम लोगों की सड़क खराब है, जगह जगह पे पानी भरा हुआ है। तो उससे क्या हुआ? अरे गाड़ी आ ही नहीं पाती। जो लोग मछली खरीदेंगे वो यहाँ तक कैसे आएंगे? मछली मिठाई और सब्जी के जैसे नहीं होती कि छीन कर हम लोगों ने एक दूसरे से खा लिया। ये बात तो है। वैसे भी ऐसी मछली लोग शौक से खरीदते हैं पालने के लिए। अगर मछली खरीदने के बाद वो शायद मर जाती है तो लोग उसे फ्राई करके खाएंगे। तो अब क्या होगा? सड़क की मरम्मत करनी पड़ेगी। आप अकेले ही सड़क की मरम्मत करोगे? कर लोगे? क्या मुसीबत है, मैं क्यों बनाऊंगा? कॉन्ट्रैक्टर को बुलाऊंगा ना। उसमें तो बहुत सारे पैसे लगेंगे। पैसे तो सरकार देगी। उस दिन सड़क के लिए सरकारी दफ्तर गए थे ना? हाँ। कुछ फायदा हुआ? उन लोगों ने कुछ पैसे दिए? नहीं, कहा तो नहीं था। देखता हूँ, दोबारा जाऊंगा, देखता हूँ, धरना करूंगा, अनशन करूंगा। क्या अनशन? नहीं नहीं, आप बिना खाए बिल्कुल भी रह नहीं पाते हैं। और अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं भी खा नहीं पाऊंगी। तेरे की, ये तो बात की बात है। पहले वहाँ जाने तो दो, देखता हूँ क्या होता है। हरीश उसके बाद चौराहे पर आता है। वहाँ पर सड़क की मरम्मत का काम चल रहा था। हरीश सड़क की मरम्मत करवा रहे कॉन्ट्रैक्टर के बगल में आता है। भाई मैं बोल रहा था, मेरे घर के सामने जो सड़क है उसकी मरम्मत का कुछ हुआ? नहीं नहीं, उस सड़क की मरम्मत करने का अभी तक हमें कोई ऑर्डर नहीं मिला। लेकिन है। आपने तो हमारी सड़क देखी है ना, कितना ज्यादा खराब है। गाड़ी भी नहीं आ पाती, साल भर पानी जमा रहता है, लोगों का आना जाना भी नहीं रहता है। अरे वो सब देखकर मैं क्या करूंगा भाई, ये सरकारी काम है। ऑफिस से जो ऑर्डर आएगा ना, मैं सिर्फ उसी का ही पालन कर सकता हूँ। अगर ऑर्डर आएगा तो मैं मरम्मत कर दूंगा। ओह, तो अब क्या होगा? आप सरकारी दफ्तर में जाकर वहाँ के सर से मिलकर उन्हें एक आवेदन पत्र जमा दे दीजिएगा, उसके बाद देखिए क्या होता है। वो तो मैं कई बार जा चुका हूँ भाई, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ठीक है, मैं कल फिर म्यूनिसिपैलिटी हॉस्पिटल जाऊंगा। मैं चलता हूँ भाई, नमस्ते। हाँ नमस्ते। हरीश म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस पहुंच जाता है। वहाँ एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। हरीश लाइन में लग जाता है। वो बार बार झांक कर ऑफिस की ओर देखता है। लाइन आगे बढ़ती है। हरीश एक ऑफिसर के मेज के सामने आकर खड़ा होता है। क्या चाहिए? सड़क। पता? प्राणपुरा रोड, पुरानी बस्ती, चित्रंजन। मगर वहाँ तो सड़क है ना? हाँ है, लेकिन बहुत ज्यादा खराब है, बहुत खराब है। बड़े बड़े गड्ढे, साल भर पानी जमा रहता है वहाँ पे, गाड़ी भी घुस नहीं पाती। मैंने इससे पहले पत्र लिखा था लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हरीश तिवारी जी? हाँ हाँ हाँ। आपके पास गाड़ी है? नहीं, मेरे पास नहीं है। तो फिर देखिए, मेरा रंगीन मछलियों का व्यापार है। उस सड़क पे गाड़ी नहीं आ पाती जिसके वजह से मेरी मछली बिकती नहीं है। गाड़ी अंदर नहीं आएगी तो मछली मेरी बिकेगी कैसे? ओ नहीं, हाँ आप लोग सड़क ठीक करवा दीजिए। नहीं होगा। क्यों? उस सड़क के आसपास सिर्फ चार घर के परिवार रहते हैं। सिर्फ चार घरों के लिए 2 किलोमीटर लंबी सड़क की मरम्मत करना अभी संभव नहीं है। लेकिन नेक्स्ट। क्या मुसीबत है, वो सुनना ही नहीं चाहते। चार घरों के लिए मरम्मत कैसे करवाएंगे, ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। लेकिन मेरे व्यापार का क्या होगा, ये तो कोई सोच ही नहीं रहा। अरे मैंने सुना है कि बुद्धि होने पर खाने की कमी नहीं हो सकती। मेरे पास बुद्धि तो है। ठीक है ठीक है, अब से मैं मछली पालन का काम करूंगा। सिंधी मांगुरी मछली का व्यापार करूंगा, इसे जमे हुए पानी में करूंगा।
इसके बाद गाड़ी बुक करके इसे शहर में सप्लाई कर दूंगा। देखता हूँ मेरा व्यापार चलता है या नहीं। वाह 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 वाह, जमे हुए पानी में इतनी सारी मछलियाँ इधर उधर तैर रही है और बड़ी भी बहुत हो गई है। जमा हुआ पानी इतना फायदेमंद हो सकता है, मुझे तो आज तक पता नहीं था सारी मछली कितनी ताजी है। आज कौन कौन सी मछली दे रहे हैं भाई? आज सिर्फ सिंधी मछली है बाबू भाई। ठीक है, हांडी उतार दूं? हाँ उतारिए उतारिए। वाह, इस बार की मछली तो बहुत बड़ी है। हाँ सही कहा, लेकिन इस बार पैसे भी ज्यादा लगेंगे। जरूर, शहर में ऐसी मछली बेचने पर इनकी कीमत भी ज्यादा मिलेगी। तो फिर मैं ये हांडी गाड़ी में रख लेता हूँ। हाँ हाँ रख लीजिए भाई। कल के लिए एक बहुत बड़ा ऑर्डर है, 15 किलो मांगुर देना पड़ेगा। दे पाओगे ना? हाँ बिल्कुल दे पाऊंगा, लेकिन एडवांस देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो लेकिन? अरे नहीं नहीं भाई, लेकिन वेकिन नहीं, मुझे मछली चाहिए और पूरे 15 किलो ही चाहिए। ये लो एडवांस। सुनिए, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे एक सोने का हार दिलवा दीजिए, मुझे वो कितने दिनों से लेने का मन है। अरे बाबा लेकर दूंगा। ये तो आप कब से बोल रहे हैं कि दूंगा दूंगा। पहले तो बोलते थे कि व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, लेकिन अब तो वैसा नहीं है। अब क्या बोलिएगा? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अभी तो व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है ना हमारा। आमदनी भी अच्छी हो रही है। हाँ हाँ हो रही है, लेकिन थोड़ा समय दो, व्यापार संभालने में तो समय ही नहीं मिलता। ये सब कुछ मैं नहीं सुनने वाली, मुझे सोने का हार चाहिए 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 बस। अच्छा बाबा अच्छा, कल ही मैं सुनार को दुकान से ले आऊंगा, खुद ही पसंद कर लेना, ठीक है ना? आप बहुत अच्छे हैं जी। ये देखो, ये सड़क थोड़ी बड़ी मतलब कि चौड़ी करनी है, ठीक है, इसीलिए अच्छी तरह से माप लेना। और सुनो ये देखो, ये इस सड़क की मरम्मत बहुत अच्छी तरह से करनी होगी। ये किस चीज का माप ले रहे हो आप? अरे हरीश भाई, आपने कोई पिटीशन दिया था क्या? देखिए उसी का परिणाम है ये। मतलब? अरे आपकी पिटीशन की वजह से ही तो सरकार ने सड़क की मरम्मत का काम शुरू करने का ऑर्डर दिया, तभी तो कर रहे हैं। सरकार ने दे दिया? हाँ सरकार की तरफ से निर्देश आया है, इसीलिए ये सड़क बिल्कुल मक्खन की तरह बनानी है और उसी के लिए माप ले रहे हैं। ये सुनकर आपको तो बहुत खुश होगी, है ना? वो देखिए मशीन भी आ गई है, अब आप लोगों को इस सड़क से किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ क्या? लेकिन नहीं। क्या नहीं? मतलब मुझे खुशी नहीं हो रही है। क्यों? ये क्या भाई, ये कैसे पैसे हैं? भाई मैं कह रहा था कि आपको रास्ते की मरम्मत करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों? आप ही ने तो पिटीशन दिया था। गलती हो गई थी मुझसे। गलती हो गई? क्या मतलब? हमारा ये टूटा फूटा रास्ता बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। लेकिन आपके घर के सामने की सड़क खराब थी, इसीलिए तो हम लोग आए हैं। ये मेरे घर के सामने की सड़क है, मैं देख लूंगा। अगर आपको पैसे चाहिए तो आप भी ले लो, लेकिन इस रास्ते की मरम्मत मत करवाइए। मैं कल जाकर पिटीशन वापस ले लूंगा। अरे लेकिन क्यों? इसे रास ही रहने दीजिए।